मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पाली पहुंचे, जहां उनका स्वागत प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक मीना सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने पुष्पगुच्छ देकर आतिशबाजी के साथ किया। इस दौरान उन्होंने माता विरासिनी के दरबार पहुंचकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। ऊर्जा मंत्री ने अपने प्रवास के दौरान संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना पहुंचे, जहां पावर प्लांट का निरीक्षण किया और अधिकारियों की आवश्यक बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सोच को साकार करने के लिए वो प्रदेश के सभी पावर प्लांट व सब स्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदेश में कम लागत पर अधिक विद्युत पैदा हो, जिससे उपभोक्ताओं को कम दर पर बिजली मिले, ये प्रदेश सरकार की सोच है। पावर प्लांट में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार न मिलने के संबंध में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। उनके पाली प्रवास कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष उषा कोल, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, एसडीएम नेहा सोनी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। गौरतलब है कि उनके पावर प्लांट निरीक्षण और बैठक में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, जिससे अन्य आवश्यक जानकारी मीडिया को नहीं मिल सकी। देखिए, आज हम उसको देखने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का बहुत स्पष्ट सोच है कि आम उपभोक्ता को बिना बाधा के बिजली मिले, और उसके लिए मेरा दायित्व बनता है कि समय समय पर उन विद्युत इकाइयों का, सब स्टेशनों का जानकारी लूँ, उसमें क्या चल रहा है, खर्चे कैसे कम हों, जिससे उत्पादन पे खर्चे कम होंगे तो बिजली की दर कम बढ़ेगी। इन सब चीज़ों के कारण मैं आज बिरसिंहपुर में उस प्लांट का निरीक्षण करने आया हूँ। सर, क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है बेरोजगारी का, और इतना बड़ा पावर प्लांट है यहाँ पे, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या आपके? देखिए, मैं और आदरणीय हमारे मंत्री जी खड़ी हैं, मीना सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत साफ सोच है, और इस संबंध में कोई परेशानियाँ होंगी हम मिल करके ठीक करेंगे।